हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज हम ब्यूटीफुल सी बलून टॉप बनाने वाले हैं, जिसकी कटिंग में मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है और आज हम इसमें इसकी स्टिचिंग लेके आई हूँ। तो इसकी कटिंग का वीडियो देखने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, मैंने वहाँ लिंक दे रखी है, या इसके बाद में लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दूँगी। जैसे ही मेरा वीडियो एंड होगा तो वहाँ पर स्क्रीन शो हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी कटिंग के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब मैं इसकी स्टिचिंग लेके आई हूँ, तो मैंने यहाँ तक उसमें दिखाया था कि इस तरीके से मैंने फैब्रिक की, मेन फैब्रिक की और जो अस्तर की कटिंग कर ली थी। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो अस्तर से बड़ा है, इसलिए अब हमें देखिए इस तरीके से इसे जो है दो तरीके से हम जो है इसमें इलास्टिक अटैच कर सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो में आपको दोनों तरीके बता दूंगी। पहले हम बैक वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है हम फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। जो मेन हमारा फैब्रिक है टॉप वाला, उसे हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है, क्योंकि हम इसे पलटेंगे तो वो सीधा वाला पार्ट हमारा भी अंदर है, फिर वो बाहर की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से हमें जो इसे सेट करके रखना है, उसके बाद हमें इसमें जो है इलास्टिक अटैच करना है। तो हम इलास्टिक को हाफ भी ले सकते हैं, जितनी इसकी जो है चौड़ाई है उससे, या फिर हम जो है इसे डायरेक्ट भी मैं इसे लगा दूँगी। हल्का सा थोड़ा सा खींचते हुए जो है इसे इस तरीके से हमें जो है इसमें अटैच कर लेना है। तो देखिए, बलून टॉप बनाने के लिए हमें जो है इलास्टिक की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें जो इसमें एकदम पतला वाला जो इलास्टिक आता है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है हमें। इस तरीके से जो है हमें इसमें अटैच कर लेना है, और दो तरीके मैं बताऊंगी इसे अटैच करने के। हल्का सा खिंचाव देते हुए हमें इसे अटैच कर लेना है, या फिर इसका जो हमारी ये चौड़ाई है नीचे की, इससे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं हम, और उसे दोनों साइड में अटैच कर लेंगे, और उसके बाद हम जो इसे बीच में जो इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे जो इसमें सिल लिया है। अब हमें इस टाइप से इसे जो है पलटना है, इसीलिए मैंने कहा था कि हमें फैब्रिक को हमारे जो है मेन को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमारा जो अस्तर उसे उल्टा रखना है। तो इस टाइप से हमें जो है इसे पलटने के बाद इस टाइप का जो है इसका शेप आएगा, हल्के से जो है इसमें सल सल से बन जाएंगे। उसके बाद हमें इसे वापस से मैंने उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद देखिए, बीच में हमारा जो मेन जो हमारा फैब्रिक है वो ज़्यादा है, तो उसे इस तरीके से नीचे करते हुए हमें जो है यहाँ से इसकी आर्म होल में और उसके नेक में भी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम जो है इसे पलट लेंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इसमें पिनअप कर लिया, यहाँ से यहाँ तक शोल्डर में सिलाई नहीं लगानी है हमें, और बाकी इसमें पूरे में हमें सिलाई लगा के इसे पलट लेना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसे सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे जो हमें बीच में कट लगा लेना है, सिलाई से पहले तक गलती से अगर हमारा कट भी जाए तो हमें वापस से नीचे सिलाई लगा देनी है। इसके नेक में भी हमें कट्स लगा देने हैं और आर्म होल में भी हमें इसके कट लगा देने हैं। उसके बाद हमें जो है इसे पलट लेना है। देखिए, हम डायरेक्ट भी पलट सकते हैं। अब जो मेरा ये ऊपर वाला जो फैब्रिक है, एकदम साड़ी का कपड़ा जो आता है सिंथेटिक, वही है, तो उसमें इलास्टिक का जो वाइट कलर झलक रहा है, तो इसलिए मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। अस्तर वाली साइड में इसे जो है फोल्ड कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे फोल्ड ना भी करें, अगर आपका कपड़ा इतना पतला ना हो, कुछ ना दिखाई दे, तो ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या ना भी करें तो भी चलेगा। तो इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करके इसमें जो है इस साइड में अस्तर की तरफ मैं इसे कर रही हूँ, और फिर सिलाई लगा देंगे हम इसमें। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अब हमने जैसे इसके शोल्डर पे और यहाँ भी सिलाई लगा दी, नीचे की तरफ भी मैंने इसमें इलास्टिक को अंदर की तरफ दबा दिया। उसके बाद हमें जो है इस तरीके से इसे जो है पलट लेना है। देखिए, इस टाइप से मैंने इसे जो है पलट लिया। आप चाहें तो ऊपर सीधा भी स्टिच करके उसमें भी क्रॉस स्ट्रिप से भी नेक फिनिश कर सकते हो, जिस तरीके में इसे मैं अभी फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट करूँगी, वो तरीका भी मैं आपको इसी में दिखा दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हमने जो है बैक वाला पार्ट इसका
कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमारा जो है बलून टॉप का शेप आ गया है नीचे की तरफ, इसीलिए हम जो है इसका अस्तर छोटा और जो ये वाला फैब्रिक है इसे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसमें ये हमारा नेक है, तो मैंने नेक से पहले 6 इंच जो है कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, ये हमारी फोल्डेड साइड है, तो यहाँ हम एक कुटका लगा देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हमने 6 इंच यहाँ से, उसके बाद हमें जो है अस्तर रख के मैंने इसकी कटिंग की थी। उसके बाद हमने जो है इसका मेन सेंटर में भी इसका कट लगा लेना है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ पे भी, क्योंकि हमें इसमें प्लेट्स देनी है, इसीलिए अब हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये 3 पॉइंट आएंगे हमारा, एक तो मेन आएगा जो फोल्ड था जहाँ से, और 2 पॉइंट जो आएंगे वो 6 इंच में मैंने लगाए थे। उसके बाद जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसे हम अस्तर वाला जो हमारा नेक है उसके सेंटर में हम इस तरीके से पिनअप करके अटैच कर लेंगे। उसके बाद इधर से हम शोल्डर को भी बराबर मिला लेंगे ताकि हमारी जो हम प्लेटिंग करें इसमें वो बराबर आए। 2 तरीके से प्लेटिंग कर सकते हैं इसमें, एक मैं एक तरीका दिखा रही हूँ, कभी मैं फिर वीडियो बनाऊँगी तो उसमें भी दिखा दूँगी उस तरीके से भी, जो बहुत ही अच्छी लगती है ये टॉप। तो इस तरीके से हम जो इसके शोल्डर में पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद हमें जो है इसमें प्लेट्स देना है, तो देखिए यहाँ से हमारा जो पॉइंट यहाँ तक था तो इसी से हमें जो है बराबर देनी है ताकि हमारा नेक बराबर आए। हमने 6 इंच एक्स्ट्रा इसीलिए लिया था हमारा, तो देखिए इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स बना लेंगे। दोनों साइड में हमें जो है प्लेट्स बनानी है, तो 3 प्लेटिंग आएगी हमारी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 6 से ज़्यादा भी फैब्रिक छोड़ सकते हो, पर ज़्यादा जो है अच्छी नहीं लगेगी, मेरे हिसाब से इतना ही बहुत रहेगा। इस तरीके से हम एकदम बराबर करके यहाँ पे जो प्लेट्स बना लेंगे और उसमें पिनअप कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने जो एक साइड वाला पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया, इसी तरीके से इधर भी हमें जो है बराबर करके इसे भी हमें जो है पिनअप कर लेना है। पिनअप करने से क्या होगा कि हमारी प्लेटिंग जो अच्छे से आएगी, जब सिलाई लगाएंगे हम तो इधर उधर खिसकेगी नहीं। इस तरीके से हमें इसे बराबर रख के इस तरीके से हमें जो इसमें प्लेट्स दे देनी है। उसके बाद इसके नेक में हमें जो है इसी टाइप से जो है सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने जो इसमें सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। नेक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, इसे हम बाद में जो है फिनिश कर लेंगे। पहले हम इसका नीचे वाला पार्ट जो है उसमें इलास्टिक लगा लेते हैं, जिस तरीके से हमने बैक साइड में लगाया था इसमें हम उस तरीके से नहीं लगा सकते, क्योंकि बैक पार्ट में क्या था कि अस्तर वाला फैब्रिक और ये ऊपर वाला दोनों बराबर थे, पर इसमें एक्स्ट्रा है हमारा अस्तर छोटा है, इतना कपड़ा हमारा जो ये ऊपर वाला बड़ा है, तो इसे हम बराबर करके इसमें इलास्टिक अटैच नहीं कर सकेंगे। देखिए इस तरीके से मैं आपको रख के भी दिखा देती हूँ। यहाँ से देखिए ये यहाँ वो हमारा बैक साइड बराबर लिया था हमने, फ्रंट वाले में इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है तो हम इसे बराबर सेट नहीं कर पाएंगे उस तरीके से। तो इसमें क्या करना होगा कि पहले हम जो है हमारा मेन जो है बड़ा जो है फैब्रिक ये वाला, उसे मेन फैब्रिक के उसमें इलास्टिक लगाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा इसका साइज़ जो है इलास्टिक खींच के लगाएंगे तो। उसके बाद हम जो ये ऊपर वाला इसमें जो है अस्तर भी इसमें जो है सिल देंगे तो दोनों हमारे अच्छे से बराबर हो जाएंगे। तो पहले हमें थोड़ा जो है 1/2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ देना है फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम इसे ऊपर की तरफ, उसके बाद हमें इस तरीके से खींचते हुए इसे इलास्टिक को जो है इसमें अटैच कर देना है। ये जो है उल्टी साइड है स्टॉप की, सीधी साइड में हमें नहीं करना है, उल्टी साइड है स्टॉप की, इसी में हमें जो है इसे पूरे में सिल देना है। उसके बाद हमें जो इसे जो हमने एक्स्ट्रा जो रखा है अभी 1/2 इंच इसमें, उसे हमें इस तरफ फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम जो है इसे, तो देखिए इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा रखा था उसे फोल्ड करते वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक को खींचते हुए ही हमें जो है इसे लगाना है। देखिए इस तरीके से खींच के मैंने इसे फोल्ड करके भी लगाया है।
तो देखिए इस तरीके से मैंने जो है इसमें इलास्टिक लगा लिया है। उसके बाद हमें जो इसका अस्तर वाला जो पार्ट है इसे इसके ऊपर हमें सिलना है। तो उससे पहले हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से जो है कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम अस्तर अटैच करेंगे, तो उसके लिए मैंने इसे फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद हमें जो है इसी के ऊपर इलास्टिक जो हमने अटैच किया उसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट जो है रखने के बाद उसे हम सिल देंगे। इन दोनों को ज्वाइन करते वक्त हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये वाला अस्तर वाला है फैब्रिक और जो मेन हमारा फैब्रिक है इन दोनों का सेंटर पॉइंट ले लेना है और वहाँ पे हम पहले पिनअप कर देंगे ताकि हमारा बराबर रहे, इधर उधर ज़्यादा या कम ना हो, सेंटर वाला हमारा पॉइंट सेंटर में ही आए। तो यहाँ पर हम पिनअप कर देंगे। इसमें पिनअप करने के बाद हम नॉर्मली इन दोनों को जो है ज्वाइन कर लेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे जो है कंप्लीट कर लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हमें इसका नेक और आर्म होल फिनिश करनी है। बैक साइड का तो नेक और आर्म होल हमने उसी समय जो है पलट के बना लिया। फ्रंट का हमें कंप्लीट करना है तो हमें क्रॉस स्ट्रिप्स से जो है हम इसे फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से मैंने क्रॉस स्ट्रिप्स कट कर ली और उसे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हमें इसे डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से सिंगल भी हम अटैच कर सकते हैं। सिंगल अगर आप अटैच कर रहे हो तो एक तरफ सिलाई लगा लेना पहले, उसके बाद हमें उसे सेम इसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसमें अटैच कर देंगे, उसके बाद इसे अंदर की तरफ जो पलट लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें जो आर्म होल भी फिनिश कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसका नेक और आर्म होल सभी फिनिश कर लिए हैं। नेक और आर्म होल हमने बना लिए। इसके ऊपर अब हमें जो है बैक वाला पार्ट रख कर शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो नॉर्मली हम जिस तरीके से शोल्डर जॉइंट करते हैं उसी तरीके से हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। उसके बाद हमें जो इसे हमें साइड से भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसमें फिटिंग चाहे तो फिटिंग लाइन से फिटिंग भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पलटने के बाद पर देखिए मैं आपको बताती हूँ साइड से किस तरीके से सिलाई लगानी है, क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सा हमारा इसमें ज़्यादा है तो वो साइड में जाएगा। तो हमें क्या करना है कि पहले इसे जो है एकदम बराबर एडजस्ट कर लेना है। किस तरीके से मैं बताती हूँ, देखिए ये इस तरीके से पहले इसे यहाँ से बराबर कर लेना है इस टाइप से। देखिए यहाँ से एकदम बराबर करने के बाद यहाँ से हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक इस तरीके से। इलास्टिक जो हमारा लेंथ से थोड़ा ऊपर ही आएगा, अस्तर छोटा रखा है हमने, बलून टॉप इसी तरीके से बनती है। और ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरीके से हमें इसे भी जो है बराबर सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद में हमें इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। तो एकदम सही है, एकदम बराबर और सही आएगा हमारा, ज़्यादा कम ना आएगा। पहले इन दोनों में हम अलग अलग सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम दोनों को साथ में जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने जो ब्यूटीफुल सी टॉप बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी ये टॉप बनने के बाद। अब हमने इसे इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। बैक पार्ट में हम डोरिया हुक्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए मैं बटन का यूज़ कर सक रही हूँ। हम मार्केट में इजीली आपको इस तरीके की फैब्रिक बटन भी मिल जाएगी, पर मैं ये यहीं घर पे ही बना रही हूँ। हम जो है घर पे ही बहुत अच्छी फैब्रिक के बटन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ी बड़ी साइज़ की बटन लेनी है, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें राउंड शेप में कट कर लेना है। और इससे हमें जो है इस तरीके से सुई धागे की हेल्प से इसी गोलाई के शेप में जो है सिल लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिल लिया। अब इसके सेंटर में हमें इस तरीके से बटन को रख के धागे को खींच लेना इस तरीके से और यहाँ से इसे जो है सिल देना है। तो इस तरीके से हमारी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटन जो है बन के तैयार हो जाएगी। इस टाइप से बनाएंगे और नीचे ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं रहेगा, तो इसे अटैच करने में भी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ से हमें जो है इसे सिल लेना है, अच्छे से एडजस्ट करने के बाद, खींचने के बाद हमें इसे सिल लेना है ताकि ये यहाँ से निकले ना।
तो देखिए इस तरीके से हमने जो ब्यूटीफुल सी बटन्स बना के तैयार कर लिए, 3 बटन बनाई है मैंने इसमें लगाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से भी हम इसे अटैच कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी, या फिर हम नेक में भी इसके जो इस टाइप से भी इसे रख सकते हैं। या फिर देखिए मैंने इस तरीके से जो है फैब्रिक का फ्लावर बनाया है, और ये जो फैब्रिक का मैंने फ्लावर बनाया है इस पर मैंने एक नेक डिज़ाइन बनाया था ब्लाउज़ का, जो ये उसी पर मैंने ये फ्लावर किस तरीके से बनाया है वो मैंने दिखाया है। तो देखिए ये वाला है जो नेक डिज़ाइन, इसमें मैंने ये फ्लावर बनाया था। तो यहाँ से भी देख के आप ये फ्लावर बनाना सीख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर एंड में लास्ट में मैं स्क्रीन लगा दूँगी, एंड स्क्रीन लगा दूँगी, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। जब मेरा वीडियो एंड होगा तब ये वीडियो शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ब्यूटीफुल सी जो है फ्लावर भी बना के इसमें लगा लेना, इस तरीके से अटैच कर लिया, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी जो है टॉप बन के तैयार हो गई है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी मेरा स्टिचिंग का पेज है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।